चीन में चल रही इन तैयारियों को देखकर यही कहा जा सकता है कि दुनिया डाल डाल तो चीन पात पात। जी हाँ, जिस दौर में दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी की चपेट में हैं, उसी समय चीन की इकोनॉमी न केवल प्लस में है बल्कि चीन दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तैयारियों में जुटा हुआ है। 3 सितंबर को बीजिंग में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कई तरह की थीम्स शामिल की गई हैं, जिनमें 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए स्नोमेकर और केबल कार जैसे उपकरण भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस ट्रेड फेयर के जरिए चीन पूरी दुनिया के सामने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का भी अपना दम दिखाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के और भी कई सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जून महीने में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी तेजी आई है और इसका आयात और निर्यात भी बढ़ा है। चीन ने दूसरे देशों के मुकाबले लॉकडाउन के नियमों में जल्द ढील देना भी शुरू कर दिया था। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही थी तो चीनी निर्यात को वैश्विक बाजार में ज्यादा अवसर मिले और अब परिणाम सबके सामने है।